दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, शायद ये कुछ भाइयों को पता है, कुछ भाइयों को नहीं भी पता है। लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए मैंने एक वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी पहले बना के दिया भी हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने आपको लैपटॉप के थ्रू बताया था कि आप जो है लैपटॉप से जो है किसी का भी जो है लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। आपने जैसे कि देखा होगा, ज़्यादातर जो है बैंकों में भीड़ होने के कारण बैंक में जो है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हो पाते हैं, तो पेंशनर लोग जो है परेशान होते हैं। तो आप जो है खुद अपने से जो है लाइफ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं पेंशनरों का, और अपना थोड़ा बहुत जो है अर्निंग भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप उनसे कितना चार्ज करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर, अगर आपके पास कोई शॉप वगैरह है या आप कहीं बैठते हैं तो वहाँ पर आप ये काम करके और थोड़ा बहुत जो है पैसा अपना एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट मैं आपको आज बताऊँगा अपने एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू, कि एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू किसी भी पेंशनर का जो है आप लाइफ सर्टिफिकेट जो है कैसे बना सकते हैं, उसे कैसे सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि पेंशनरों को आजकल ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रही है बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट नहीं लग पा रहा है, सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो उनको जो है या तो मैनुअली भागना पड़ता है अपना पेंशनर ऑफिस में जहाँ से उनको पेंशन मिल रही है, या जो है वो इधर उधर ढूंढते हैं कि ऑनलाइन कहीं भी हमारा ये काम हो जाए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस यही बताने वाला हूँ कि आप किसी भी पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं और उसकी पेंशन में उसे कैसे जो है सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, कोई भी हो, इंटरनेट आपका चलता हो उस पर। दूसरा, आपको एक फिंगरप्रिंट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, मेरे पास है मोर्फो का ये डिवाइस। आपको पता है मोर्फो डिवाइस आज की डेट में ज़्यादा क्रेज पे, यही सबसे ज़्यादा यूज करता है हर कोई। तो मेरे पास मोर्फो की है। बाकी आपके पास अगर मंत्रा वगैरह का डिवाइस है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, और अगर किसी दूसरी कंपनी का है तो वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। यहाँ पर जो है आपको लिस्ट मिल जाएगी कि आप कौन कौन से डिवाइस जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल दो तो मेन हैं ही, मंत्रा और मोर्फो, यही सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट केवल एक अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस की पड़ेगी, और आपको जो है अपना एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चाहिए। इसके अलावा जो है आपको कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा आपको करने के बाद जो है ये अपना छोटा मोटा काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू जो है आप किसी भी पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं और उसकी जो है पेंशन में उसे जो है कैसे अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि उसकी पेंशन जो है रेगुलर आती रहे, उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि हर साल आपको पता है पेंशनर को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है अपडेट कराना पड़ता है, उसके बाद ही उसकी पेंशन जो है वहां से छूटती है। जिन लोगों का जो है लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हो पाता है उनकी पेंशन भी रुक जाती है, तो उनको काफी प्रॉब्लम आती है। और बहुत कम लोग ही जो है इसे करना जानते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, कैसे सबमिट करना है। तो ये सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको जो है एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू ये कैसे करना है। तो चलिए फटाफट से मैं चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और आपको पूरा प्रोसेस जो है बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट पॉइंट। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना रहेगा। अगर आप मोबाइल से जो है लाइफ सर्टिफिकेट लगाना चाह रहे हैं तो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से लेने हैं तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, गूगल क्रोम ब्राउज़र जो है इसे ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने गूगल ब्राउज़र जो है ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैं सर्च करूँगा जीवन प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र देखिए डाल के मैंने सर्च किया, तो सबसे पहला लिंक आ रहा है jeevanpraman.gov.in। इस लिंक को जो है आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी इसे ओपन कर सकेंगे। तो इसे मैं ओपन कर ले रहा हूं, और सबसे पहले आपको जीवन प्रमाण का जो है डाउनलोड करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर। तो यहां पे देखिए आपको थ्री लाइन दिख रही होंगी, इस पर एक बार ही आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रहा होगा डाउनलोड करके, तो इस डाउनलोड वाले पर आपको क्लिक करना है। डाउनलोड पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इसका डैशबोर्ड आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है आपको, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी मेल आईडी पूछेगा। तो यहाँ पे एक कोई भी मेल आईडी आप डाल दीजिए, ज़रूरी नहीं है आप अपनी जेनुअन मेल आईडी दें, कोई भी उल्टी सीधी आप डाल सकते हैं, केवल ये फॉर्मेलिटी के लिए है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं। तो मैंने एक आप देख रहे होंगे ऐसे ही डाल दिया है, और इसे आई एग्री टू डाउनलोड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ लिंक ओपन होकर आ जाएंगे। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं PC ऐप के लिए आ गया है, मोबाइल ऐप के लिए आ गया है। तो आप मोबाइल में यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको मोबाइल ऐप के नीचे दिख जाएगा जीवन प्रमाण 3.6, तो ये वाला वर्जन आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। तो 3.6 जो है ये हम डाउनलोड कर ले रहे हैं। तो ये हमने डाउनलोडिंग पे क्लिक किया, तो यहाँ पे डाउनलोड के लिए आ गया, मैं ओके करूँगा और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम इसे डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर दे रहे हैं, यानी कि इसे इंस्टॉल कर लेंगे।
तो यहाँ से हम इसे जो है सीधा इंस्टॉल कर ले रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, इसे हम कर देंगे डन। डन करने के बाद इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज। अब आपको आना है प्ले स्टोर पे, तो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी अब आरडी सर्विस की। तो आपका जो भी स्कैनर है जिस कंपनी का है, चाहे आपका मोर्फो का हो या दूसरे का हो। हाँ एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं जानना कि कौन कौन से डिवाइस यहाँ पर काम करते हैं, तो इसके लिए आपको देखिए नीचे एक और मैनुअल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है आरडी रजिस्टर्ड डिवाइस, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल खुल के आ जाएगी। उसमें आपको दिखा दिया जाएगा कि आप कौन कौन से जो है डिवाइस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको मोर्फो, मंत्रा वगैरह जो भी डिवाइस चला रहे हैं वो आप यहाँ पे यूज ले सकते हैं। तो मैं मोर्फो की यूज करता हूँ, तो यहाँ पे प्ले स्टोर पे हम जाएंगे और यहाँ पे मोर्फो आरडी सर्विस हम सर्च करेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए आ गया है, तो मोर्फो आरडी सर्विस करके जो आएगा। अगर आप जो है कोई मंत्रा का डिवाइस चलाते हैं तो यहाँ पे मंत्रा आरडी सर्विस नीचे आ रहा है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। ये आपके डिवाइस के ऊपर डिपेंड है आप कौन सा डिवाइस चला रहे हैं। तो मेरे पास मोर्फो है, तो मोर्फो का जो है आरडी सर्विस यहाँ से इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है मोर्फो का आरडी सर्विस इंस्टॉल हो गया है। अब इसे हम जो है ओपन करेंगे, लेकिन ओपन करने से पहले आपको अपने हैंडसेट पे एक सेटिंग करनी है। इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और सेटिंग पे जाना है आपको एक बारी, और सेटिंग पे जाके आपको ओटीजी जो आपके में होगा एक, देखिए ये ओटीजी करके आ रहा है, इसको ओपन करना है और ऑन कर देना है। तो ओटीजी को मैं यहाँ से ऑन कर दूँगा और उसके बाद जो है हम अपना जो है स्कैनर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो मैं मोर्फो का स्कैनर चला रहा हूँ, उसे हम जो है कनेक्ट कर ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे स्कैनर कनेक्ट कर दिया है, आपको दिख गया होगा यहाँ पे मोर्फो का जो है मैसेज आ गया कनेक्ट करते ही। तो इसे हम जो चेक करेंगे, हर बार हम बाय डिफ़ॉल्ट में इसे सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे और यहाँ पे अलाउ अलाउ करके जो परमिशन मांगेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये रजिस्टर होने लगेगा। तो यहाँ पर जो है आरडी सर्विस जो है रजिस्टर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डिवाइस रजिस्टर हो गई है। तो हमारा स्कैनर जो है यहाँ पे आपको नीचे मैसेज दिखा होगा रेडी हो गया है यूज करने के लिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए जीवन प्रमाण का ये आइकॉन इस तरीके से आ रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा। तो इसे एक बारी आपको ओपन कर लेना है। तो इसे हम ओपन करते हैं और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ओपन आएगा, वर्जन 3.6 आपको दिख जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो है अब आपको क्या करना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है। अब यहाँ पर आपको स्कैनर के लिए बता रहा है कंटिन्यू विद मोर्फो, यानी कि ये दिखा रहा है कि हमने मोर्फो का डिवाइस जो है कनेक्ट कर रखा है, तो हम इससे यस कर देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्म फिल करने के लिए आएगा, छोटा सा है, जहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और मेल आईडी देनी है। क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर का ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप ऑपरेट करेंगे तो आपको अपना अकाउंट पहले बना लेना है। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर यहाँ पे दे दीजिए, तो मैं एक आधार नंबर यहाँ पे फटाफट से अपना ही दे दे रहा हूँ। आधार नंबर देने के बाद नीचे मोबाइल नंबर देंगे, तो यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर और मेल आईडी सारी डिटेल मैंने फिल कर दी है। ये आपका अकाउंट बन रहा है, अभी पेंशनर का इसमें कोई रोल नहीं है, अभी पेंशन का हम लाइफ सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे नहीं सबमिट कर रहे हैं, ये अपना अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है इस मोबाइल नंबर पे जो है एक ओटीपी आएगा, मेल आईडी पे भी ओटीपी आ जाएगा। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर ओटीपी आ गया है, मैंने ओटीपी भी एंटर कर दिया है। इसके बाद जो है यहाँ पे सबमिट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ऑपरेटर का नाम, जो आपका आधार कार्ड पे नाम है वो नाम यहाँ पे एंटर कर दीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चेक बॉक्स करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे इस बॉक्स को जो है चेक कर दीजिए। इसके बाद जो स्कैन का आ रहा है तो स्कैन कीजिए, स्कैन पे क्लिक करेंगे, फिंगर के लिए आएगा तो फिंगर डिवाइस को यस कर देंगे और जो है अपना फिंगर जो है स्कैन कर लेंगे। तो आपका फिंगर यहाँ पर जैसे स्कैन होगा ये सक्सेस हो जाएगा। तो हमने फिंगर स्कैन किया, ये देखिए प्रोसेसिंग हो रही है और यहाँ पे अभी आपको एक मैसेज दे देगा, नीचे आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब ये जो है रीस्टार्ट हुआ है सॉफ्टवेयर हमारा जो है। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटर की जगह ऊपर आपको पेंशनर का लिंक दिख गया होगा, ऑपरेटर यहाँ से हट गया है, पेंशनर आ गया है। अब यहाँ पे आपको जो है पेंशनर का जो है, कोई भी पेंशनर हो आपका, उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, देना चाहें दे दें, ना देना चाहें मत दें। तो यहाँ पर आधार मोबाइल नंबर कंपलसरी है, सबसे पहले आधार नंबर एंटर कीजिए, आधार नंबर के बाद जो है मोबाइल नंबर देंगे, मेल आईडी ऑप्शनल है, देना चाहें दे दें, ना देना चाहें तो ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी मोबाइल पे जाएगा, किसी कारण ओटीपी नहीं आता तो रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करके आप दोबारा ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे फुल नेम आ रहा है जो आधार कार्ड पे दिया हुआ है, तो वो पूछ रहा है यहाँ पे फुल नेम दीजिए जो आधार कार्ड पे आपका प्रिंटेड है। ये पेंशनर का है, आप अपना मत दे देना, जिसका भी आप लाइफ सर्टिफिकेट लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो आधार कार्ड पे नाम है वो मैंने नाम दे दिया पेंशनर का। इसके बाद जो है टैप ऑफ पेंशन का पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है
पेंशन किस टाइप की है, सेल्फ ले रहा है या फैमिली पेंशन है, जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं जो है फैमिली सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं जो लाइफ सर्टिफिकेट लगा रहा हूँ वो फैमिली पेंशन का है। सिलेक्ट ऑथोरिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे किस डिपार्टमेंट की पेंशन है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 90% जो है EPFO की होती है। तो यहाँ पे आपको जो है EPFO सिलेक्ट कर लेना है, या आपको जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं इसमें से आप देख लीजिए जिस चीज़ की पेंशन है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं EPFO सिलेक्ट करता हूँ। इसके नीचे एजेंसी का नाम पूछ रहा है, एजेंसी का मतलब आप बैंक में लेना चाह रहे हैं पेंशन या कहाँ लेना चाह रहे हैं, तो मैं बैंक सिलेक्ट करूँगा क्योंकि बैंक अकाउंट में ही लेनी है पेंशन। इसके बाद जो है एजेंसी पूछ रहा है, एजेंसी आपसे पूछेगा बैंक यानी कौन सी बैंक में लेना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे देने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया हमने। इसके नीचे देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ पे PPO नंबर, तो यहाँ पे PPO नंबर आपको दे देना है। तो यहाँ पर मैंने ये PPO नंबर डाल दिया है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जो ओल्ड पेंशनर हैं जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन एक बार भी लाइफ सर्टिफिकेट अपना सबमिट नहीं किया है, तो उनके PPO नंबर में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने वाला है। उनके पास जो PPO नंबर होगा वो लास्ट में जो आपको जैसे कि ये डिजिट दिख रही है इतनी ही होगी, आगे की डिजिट उनके पास नहीं होगी, तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज होने वाले हैं कि हम आगे का PPO नंबर कहाँ से लेके आएँ। तो यहाँ पे जो है टोटल मिला के आपको 13 डिजिट करनी होती हैं। आगे आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने लगाया है MRAGR, तो यहाँ पे ये कोड आपको लगाना है। उसके बाद जो भी ब्लैंक बचता है उसमें आपको 00 डाल देना है, और लास्ट में जो आपके पास PPO नंबर है कस्टमर का वो आपको डालना है। टोटल मिला के 13 डिजिट का ये हो जाना चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा अभी ये ग्रीन है, मैं अगर इसमें से एक डिजिट कम कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड कलर से हो गया है। ये रेड कलर से जब तक है समझ लीजिए आपकी कोई ना कोई डिजिट यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं जो है एक अंक और लगा देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ये ग्रीन हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा ग्रीन हो गया। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान कर लीजिए, अगर आप EPFO में कोई भी पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो आगे का कोड है वो आप चाहे तो नोट कर लीजिए, और चाहे इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। MRAGR ये कोड आपको लगा देना है। उसके बाद जो है 4 अंक उसके पास होंगे, बीच में जो ब्लैंक जगह बचेगी उनमें आपको 0 लगा देने हैं 4 बार, तो ये टोटल मिला के 13 अंक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे ये कोड दे देना है। ये कोड देने के बाद नीचे अकाउंट नंबर आपसे पूछ रहा है, तो जो पेंशनर है उसके नाम से जो अकाउंट हो वो आप अकाउंट नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करा दीजिए। तो यहाँ पर जो है मैंने अकाउंट नंबर भी दे दिया, लेकिन यहाँ पर अकाउंट नंबर बारीकी से दोबारा से मिला लेना, कहीं मिस्टेक ना हो पाए, नहीं तो पता चलेगा आपकी पेंशन किसी दूसरे के अकाउंट में चली गई। इसके बाद जो है नीचे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब पे नो नो कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स है इसे चेक कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको करना है स्कैन। स्कैन क्या करना है, यहाँ पे कस्टमर का फिंगर स्कैन करना है, जिसकी डिटेल आपने फिल की है, जिसका आधार नंबर डाला है उसी का आपको फिंगर यहाँ पर कैप्चर करना है। जो आधार नंबर जिसका डाला हुआ है, यानी जिस पेंशनर का मैं लाइफ सर्टिफिकेट लगा रहा हूँ, तो जिस कस्टमर का मैं लाइफ सर्टिफिकेट बना रहा हूँ तो उसका फिंगर यहाँ पर हम कैप्चर करा ले रहे हैं। इसके लिए नीचे आएंगे और यहाँ पे स्कैन जो आ रहा है स्कैन पे एक बारी क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे स्कैन पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे ये फिंगर स्कैनिंग के लिए बता रहा है, तो यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिंगर स्कैनिंग के लिए आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे कस्टमर का फिंगर स्कैन कीजिए और यहाँ पर देखिए फिंगर स्कैन हो गया और कैप्चरिंग चल रही है। अभी ये बताएगा फिंगर मैच हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये प्रोसेसिंग में है। और यहाँ पर इसने जो है आपको एक मैसेज भी भेज दिया होगा, और यहाँ पर देखिए ये मैसेज आ गया KYC ऑथेंटिकेशन फेल्ड, यानी कि यहाँ पे जो है आपने जो अभी फिंगर स्कैन किया है उसका जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा है, तो ये जो है सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे टाइम आउट आ गया है। तो इसे ओके करेंगे और दोबारा से रीस्कैन कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर से स्कैन पर क्लिक करेंगे और फिंगर स्कैनर जो यहाँ पर डिवाइस का मांग रहा है इसे यस करेंगे, और इसके बाद जो है फिंगर कैप्चर करेंगे। फिर से यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, फिंगर मैचिंग कर रहा है, तो यहाँ पे फिर से वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिंगर जो है मैच कर लिया, और मैच करते ही इस तरीके से देखिए आधार कार्ड पे जो भी फोटो वगैरह लगा है सब आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पर आपको एक मैसेज दिख गया होगा थैंक यू का दे रहा है, आपने जो है सबमिट कर दिया है, यहाँ पे इनकी जो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सक्सेस हो गया है। इस तरीके से सक्सेस होते ही आपके सामने एक पेज आ जाएगा, तो इसका आप एक बार जो है स्क्रीनशॉट अपने पास लेकर रख लीजिए, जो कि फ्यूचर में आपके काम आएगा। फ्यूचर में क्यों काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको आईडी मिली है ये मेन चीज़ है, कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो ये आईडी आपके काम आने वाली है।
उसके नीचे आपको दिखा देगा कि आपका PPO नंबर वगैरह क्या है, किस टाइम पे आपने सबमिट किया है, ये सारी डिटेल यहाँ पे दिखा देगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जो डिटेल मैंने डाली है वो नीचे दिखा रहा है, पेंशनर नेम किशोरी देवी, रजिस्ट्रेशन डेट भी दिखा दिया है, सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल शो कर देगा। ये अब आपका जो है सबमिट हो गया है, कंफर्म हो गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। ओके करेंगे तो नए पेंशनर का जो है लाइफ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आ जाएगा। अब आप किसी दूसरे का भी इसी प्रोसेस के थ्रू जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो है कोई भी लाइफ सर्टिफिकेट सेकेंडों में जो है तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है अब आपको कुछ नहीं करना है, पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो चुका है, उसकी जो भी पेंशन है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ना ही पेंशनर को कुछ करना है, ना ही आपको कुछ करना है, बाकी यहाँ पे यही छोटा सा प्रोसेस था। इसी प्रोसेस के थ्रू जो है आप किसी का भी जो है लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, पेंशनर का पेंशन में अपडेट कर सकते हैं, इस तरीके से आप जो है थोड़ा बहुत अपना अर्न भी कर सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा चार्ज लेके उसका काम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर कर लें, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन आपको मिल जाएगा, उसे दबा के जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन मिलेगा उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे। वैसे ही चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार दोस्तों।